चलिए आवाज आ रही है, क्लियर है? चलिए क्लियर है तो जल्दी से बताइएगा, आंसर बाद में दीजिएगा, पहले बताइए आवाज आ रही है। चलिए आ रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई जवाब दीजिए, बेहतरीन टेस्ट होने वाला है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, चलिए जवाब आ रहा है यहां पर आपका 8 मार्च, जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आपका 8 मार्च आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 जून। देखो आपका हमेशा पूछा जाता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ये आपका हमेशा और हर एग्जाम में पूछा ही पूछा आपका जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो जैसे ही जनसंख्या की बात करता है तो याद रखिए 11 जुलाई को, कब 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस, ठीक है। उद्देश्य क्या है, ताकि जनसंख्या से संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतन आपका हो सके। कार्यक्रम की स्थापित किया गया था कब, तो आपके 1979 में स्थापित किया गया था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा भी किया है, 2 बच्चे है ना, 2 बच्चे होना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर कह सकते हैं कई प्रकार के प्रोत्साहन देने की बात भी किया गया है। ये आपके 11 जुलाई को ही अर्थात विश्व जनसंख्या के अवसर पर ही किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहां पर ऑप्शन क्या बनेगा, तो विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को, कब मनाते हैं, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 16 अक्टूबर हो जाएगा विश्व खाद्य सुरक्षा। अच्छा ये विश्व खाद्य दिवस है, ठीक है। एक होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, क्या होता है नोट करिएगा, एक होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और वो जो सुरक्षा दिवस होता है ये होता है 7 जून को, कब, तो 7 जून को मनाते हैं और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। दोनों पॉइंट को आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, बताइएगा, पूछा गया है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 को ऑप्शन हो जाएगा 1 दिसंबर, कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, चलिए मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर बिल्कुल सही है, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, 10 दिसंबर को पूरी दुनिया भर में ये मनाया जाता है, ठीक है ना। और एक अन्य नाम आपका और भी है HRD, इसे कभी कभी बोल देता है HRD बोल देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है, चलिए देखते हैं कि आप लोग कितना तैयार किए हैं दिवस, है ना। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग दे रहे हैं विश्व वानिकी दिवस यहाँ पर 21 जून, कहाँ पर है 21 जून तो है नहीं है, और कौन सा दिवस आपका, कौन सा दिन आ रहा है, 7 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यार 21 मार्च, क्या हो जाएगा 21 मार्च आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और 21 जून को जो मनाते हैं वो मनाते हैं योग दिवस मनाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आ रहा है यहां पर, ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर, और बताइए बी नंबर 3 दिसंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग कब हुई थी, तो आपके 1991 से ये प्रतिवर्ष आपका कह सकते हैं मनाए जाने की स्वीकृति आपकी मिली है, ये आपका मनाए जाने के लिए आपके संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वेरी IMP क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, साथ से स्वास्थ्य, ठीक है, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 10 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ऑप्शन आ रहा है 27 सितंबर, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, 27 सितंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत आपकी 1980 से की गई थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र की ये पहल थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, चलिए वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था जो कि आपका कब था, तो आपके मार्च में था, है ना, लेकिन ये आपका दिया गया है कौन सा, यहाँ पर दिया गया है हिंसा उन्मूलन दिवस, तो 11 में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा 25 नवंबर, कब, तो 25 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिए 25 नवंबर को, ठीक है। वो जो आपका था 8 मार्च वो आपका क्या था, अंतर्राष्ट्रीय महिला था, लेकिन ये आपका हिंसा आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, चलिए 12 का ऑप्शन लॉक करिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ गया 15 मार्च, याद रखिए कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, और इस दिन उपभोक्ताओं को उनके कंज्यूमर राइट्स अथवा उपभोक्ता अधिकारों के जागरूक करने के लिए किया गया है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका हो जाएगा सी नंबर 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, और डाकघरों की संख्या भी आपके भारत में सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है,
विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि हिंदी होता है कि विश्व मरुस्थलीकरण, क्या विश्व मरुस्थलीकरण, इसका उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है कब? तो ऑप्शन आ रहा है बी आपके 17 जून को। याद रखिएगा कि 17 जून को मरुस्थलीकरण या सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर 11 दिसंबर जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 11 दिसंबर। याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी संयुक्त राष्ट्र की, वो आपकी 1946 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित किया गया है। सभी को पता होगा कि 2 अक्टूबर जो कि आपके गांधी जी से रिलेटेड है, आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है ना, क्लियर है। अच्छा, ये प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 2007 में, ठीक है ना। ये सन 2007 से महात्मा गांधी के जन्मदिवस के रूप में, जो कि 2 अक्टूबर को है, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षर दिवस घोषित किया था। चलिए बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो घोषित किया गया वो किस दिन। यहाँ पर आपका 17 ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका ए नंबर 8 सितंबर। याद रखिएगा 8 सितंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 18 नंबर में। यहाँ पर बनेगा कौन सा, तो बताइए भाई, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है आपका 2 फरवरी। यहाँ पर 18 का ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर हो जाएगा, 2 फरवरी को मनाते हैं। याद रखिएगा कि वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 19 नंबर में ऑप्शन लॉक करना है, यहाँ पर 16 सितंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 16 सितंबर आपका जवाब, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 16 सितंबर, ठीक है ना। ओजोन परत को मापने की जो इकाई होती है वो आपकी होती है डॉप्सन होती है। देखो हम हमेशा बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। हाँ, और ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पर, तो आपके समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 20 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, आपके 8 सितंबर को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी दिवस, तो भाई आपको याद होगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। सभी जितने भी शेर शेरनी जुड़े हैं फटाफट जवाब देने का प्रयास करते रहे। यहां पर आपके 22 अप्रैल को मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 8 मई किस रूप में मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखो, हर एक क्वेश्चन का डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन डिस्क्राइब करने से कंफ्यूज हो जाओगे, जबकि हर एक क्वेश्चन आपके ऑलरेडी दिए गए हैं, इसलिए कोई डिस्क्राइब करने का नहीं है। जितना इसके बारे में हो सकता है वो आपको मिलेगा, और एक हर एक क्वेश्चन में एक एक आंसर आपको बताए जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, क्योंकि हर एक दिवस आपको मिल जाएंगे। चलिए कह रहा आपसे कि 8 मई किस रूप में मनाया जाता है, 8 मई, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा। तो चलिए 22 का ऑप्शन कुछ लोग जवाब दे भी दिए हैं। यहाँ पर आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस, क्या याद रखिएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस ये आपके 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। अब आपके पास दिया गया सूर्य दिवस जो कि आपके 3 मई को मनाते हैं, 3 मई को, ठीक है। अगला दिया गया है वेलेंटाइन दिवस संपूर्ण संसार में किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पर 24 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपका 14 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, नोट करिए, आईएमपी क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा, 25 नंबर विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यहाँ पर 25 नंबर में ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपके 31 मई को। याद रखिए 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू दिवस, ठीक है ना, क्लियर है ना। पृथ्वी दिवस तो दिया गया है, जनसंख्या दिवस भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। अब यहाँ पर जल दिया गया है और जल दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। तो देखो तीन आपके क्वेश्चन ये बनेंगे ही बनेंगे, क्या होता है, यहां पर जो दिया है 22 मार्च, 31 मई, 11 जुलाई और 22 अप्रैल, ये चार को आप इतना नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 100% होते हैं, है ना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, है ना, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जल दिवस आपका 22 मार्च, इन चार में क्वेश्चन आपके मिल ही जाते हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है। यहां पर देखो शिक्षक दिवस की बात नहीं कर रहा है, विश्व शिक्षक दिवस, और विश्व शिक्षक दिवस कहता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 5 अक्टूबर। याद रखिएगा कि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, 14 मत लगा दीजिएगा क्योंकि यहां पर जो आपका है वो विश्व दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिवस अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहां पर लिया गया। बताइएगा 28 नंबर में, यहां पर आपका जवाब बनेगा कौन सा हो जाएगा, चलिए बी नंबर। यहाँ पर देखो सत्याग्रही, याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका है सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन, यहाँ पर 28 क्वेश्चन बनेगा कौन, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया गया है 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए 29 को ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। याद रखिए आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा। विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, सोचने और समझने का मौका मिल रहा है और सोच समझ कर जवाब देते चलिए, थोड़ा स्पीड में भी है और आप लोग इतना तो है कि सोच के जवाब दे सकते हैं। 29 जुलाई, ये भी नोट कर लीजिएगा। याद रखिए 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस कब मनाते हैं। चलिए यहां पर देखो, शांति और अहिंसा दिवस दिया गया है 31 नंबर में, लॉक हो जाएगा यहां पर 21 सितंबर को। कब? तो आपके 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि वर्ल्ड हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 32 को ऑप्शन दीजिए। हेरिटेज मतलब होता है क्या? धरोहर होता है, मतलब विश्व धरोहर दिवस या इसे हम बोलते हैं विश्व विरासत दिवस बोलते हैं, मनाते हैं 18 अप्रैल को। ऑप्शन बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बताइएगा, विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस, यहाँ पर 33 का ऑप्शन काफी लोगों ने दिया था, 12 जून ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका अकाउंट, तो आपका ए नंबर हो जाएगा 12 जून को, ठीक है ना, 12 जून को मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है वैलेंटाइन डे किस माह में मनाया जाता है। तो यहाँ पर सभी को पता होगा, है ना, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा कि आपके 200 कब, तो आपके 269 में फांसी दी गई थी वैलेंटाइन को, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इस दिन को प्यार के दिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगर छोटी सी कहानी बताएं दें तो एक देश आपका ऐसा था जहां का राजा क्या था, बहुत ही क्रूर था, है ना, वहां के लोगों को शादी करने के लिए नहीं देता था, तो वो शादी नहीं कर सकते थे। इसलिए एक व्यक्ति ने चुपके से किसी लड़की से प्यार कर लिया था, लेकिन जब राजा जान गया तो उसको फांसी की सजा दे दिया था, तब से यहां पर कह सकते हैं डे मनाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 1 मई किस रूप में मनाया जाता है। तो 35 को ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी आपके अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 1886 से, कब से, तो 1886 से मनाई जाती है 1 मई को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च माह में नहीं मनाया जाता है। चलिए भाई 36 को ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से, यहाँ पर 36 को ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस आपको जून में होता है, इस कारण से ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 37 को ऑप्शन, याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो आपका कह सकते हैं स्वतंत्र हुआ था वो 4 जुलाई, यहाँ का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 4 जुलाई को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा, तो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 24 मई किस रूप में मनाया जाता है। 24 मई किस रूप में मनाते हैं, याद रखिए राष्ट्रमंडल दिवस, कब, राष्ट्रमंडल दिवस, ऑप्शन आपका डी, ये भी आपको नोट कर लेना है, राष्ट्रमंडल दिवस कब, 24 मई। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 3 मई अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुमला के ये तो आपको पता है कि 3 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, लेकिन किसके लिए मनाते हैं ये तो आपको याद होना चाहिए ना। तो आपको याद रखिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं, ठीक है ना, पूजा करने के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए भाई देख लेते हैं, यहाँ पर देखो दिया गया है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई दिया गया है, फिर दिया है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च दिया है, सही है, विश्व पर्यावरण दिवस दिया है 5 जून, ये सही दिया है, विश्व तंबाकू दिवस ये तो भाई यहाँ पर तो है नहीं है, है ना, यहाँ पर 22 मार्च को मनाते हैं, क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं, है ना, मतलब यहाँ पर जो आपका डी नंबर है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। चलिए महत्वपूर्ण दिवस दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, विश्व पर्यावरण दिवस। अब विश्व पर्यावरण दिवस आपसे पूछा गया है तो हम इसको मिलान सही कर लेते हैं, यहाँ पर कहीं सही मिलान क्या हो जाएगा। चलिए 41 नंबर को लॉक करिएगा। देखिए यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो यहाँ पर याद रखिए 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है ना। फिर दिया है विश्व वानिकी दिवस, वानिकी दिवस मनाते हैं आपकी 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर विश्व जनसंख्या कब मनाते हैं, यहाँ पर आप 41 बताइएगा, तो 41 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए आपको मनाते हैं आपके 11 जुलाई को, यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 जुलाई हो जाएगा। कुल मिला के मिलान कर लेते हैं कहीं गलती ना हो, यहाँ पर आपका 2 क्या है, अरे यार क्लास चल रही है तुम बड़बड़ा रहे हैं।
चलिए तो देखो यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस आपका हो गया था 5 जून, कौन सा आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद कौन सा आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद 11 जुलाई आपका यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा, तो भाई यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस 16, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो 2143 कहाँ पर है भाई, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सुमेलित कीजिए, यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए 42 नंबर में यहाँ पर सुमेलित करना है, यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस फिर से आ गया है। यहाँ पर देखो कितना है आपका 1 जून, तो आपको याद ही होगा, है ना। फिर दिया गया विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, वानिकी दिवस 21 मार्च, है ना। तंबाकू निषेध आपका 31 मार्च, मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ही नंबर राइट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते ही बनते आपके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सुमेलित करना है, यहाँ पर देखो अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिया है और आपकी तिथि दिया गया है, तो चलिए यहाँ पर लॉक करना है। यहाँ पर देखिए 43 नंबर में, चलिए 43 में यहाँ पर देखो विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा। विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाते हैं आपके 18 नवंबर को, इसका 2 हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 1 दिसंबर को, इसका 1 हो जाएगा। विश्व पश दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 3 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 16 अक्टूबर को मनाते हैं, है ना। यहाँ पर इसका 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 43 का कौन सा बन गया है, यहाँ पर ऑप्शन बन गया ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है सुमेलित कीजिएगा, यहाँ पर देखिए सुमेलित आपसे पूछा गया है। तो चलिए अंतरराष्ट्रीय दिवस और आपकी तिथियां दिया गया है 44 नंबर में, चलिए यहां पर लॉक करने का प्रयास करते हैं, क्या आपका सही आ जाएगा। देखो आपका विश्व तपेदिक दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 24 मार्च को मनाते हैं विश्व तपेदिक दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 1 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कहाँ दिया गया है भाई, तो आपके 30 जनवरी कहाँ पर है, ये आपका दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कहाँ पर है, तो ओजोन दिवस आपका होता है क्या, तो यहाँ पर आपका 16 सितंबर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो अब आपको आ रहे हैं ना, इजी लग रहे होंगे, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित करना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सुमेलित करने वाले हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा 45 नंबर में। चलिए 45 नंबर में यहाँ पर देखो दिया गया है, 45 नंबर में क्या दिया गया है, चलिए कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस, तो बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो आपके यहाँ पर 11 जुलाई को, इसका 4 हो जाएगा, है ना, इसका 4 हो जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं भाई, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है, तो आपके 8 सितंबर आपका हो जाएगा, 8 सितंबर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो आपके 5 जून को मनाते हैं, इसका 2 हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब होता है, तो आपके 3 दिसंबर को, अर्थात कह सकते हैं 10 दिसंबर को मनाते हैं, तो 4123 है कहीं पर, 4123 ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताइए 46 नंबर में। तो चलिए 46 को ऑप्शन देते हैं, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो विश्व साक्षरता दिवस आपका दिया है 8 सितंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस दिया है 24 अक्टूबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस दिया है 7 अप्रैल, विश्व मानव अधिकार दिवस ये तो आपको 10 दिसंबर को मनाते हैं ना, ये 10 दिसंबर को मनाते हैं, 1 दिसंबर को नहीं, तो ऑप्शन डी नंबर आपका गलत दिया गया था। अगला दिया गया है विश्व भर में 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व भर में 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, 47 नंबर में, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं, तो भाई 8 मार्च को क्या मनाते हैं, आप सभी को पता होगा कि 8 मार्च को मनाते हैं, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा महिला दिवस, है ना, ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन दिया है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब हो जाएगा, तो अभी आपने पढ़ा 24 अक्टूबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा। सब कुछ पढ़ लिया है, बस आपको दौड़ना है बिल्कुल से। कह रहा है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 50 नंबर में, ऑप्शन बनेगा सी आपके 15 मार्च को मनाते हैं, इसको नोट करिएगा, एमपी क्वेश्चन इसको नोट करिएगा, ठीक है। 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर अभी आपको पता हो गया, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अगला है अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, और अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 जून, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला दिया गया 1 दिसंबर के रूप में मनाते हैं, तो अभी हमने आपको बता भी दिया है कि आपके विश्व एड्स दिवस मनाते हैं आपके 1 दिसंबर को। अगला दिया गया है कि निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है, चलिए 54 नंबर में बताइएगा कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाते हैं, यहाँ पर 54 का ऑप्शन ये हो जाएगा फ्रांस, यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, चलिए बताइए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, 55 नंबर में, यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, तो याद रखिए आपका 11 अक्टूबर को, कब 11 अक्टूबर को याद रखिए अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है, तो चलिए हम ध्यान से ही पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, भटकेंगे नहीं। यहां पर आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, मतलब पहला तो सही दिया गया है, 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस, विकलांग तो मनाते नहीं है, ये गलत हो गया है।
फिर 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस दिया है, मतलब ये भी सही दिया गया है। तो इसके दो ऑप्शन दिए हैं, एक और तीन आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं भाई साथियों, जवाब देते रहिए फटाफट, है ना। तो चलिए, काफी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, और 57 क्वेश्चन दीजिएगा जल्दी से यहाँ पर भी। याद रखिए विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, कब, तो आपके 22 मई को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है ओजोन परत संरक्षण दिवस, बिल्कुल ईजी है, अभी हमने आपको बताया कि ये मनाते हैं 16 सितंबर को, और आपके ओजोन परत को मापने की इकाई है आपके डॉप्सन, और आपके समताप मंडल में पाई जाती है जो आपकी ओजोन परत होती है। इतना तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। चलिए यहाँ पर 59 को ऑप्शन लॉक करना है, यहाँ पर प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, 59 को ऑप्शन ए दे रहे हैं, आपके 1973, कब, तो आपके 1973 में मनाया गया था प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस, 59 का ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि विश्व टीवी उन्मूलन, वेरी एमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, नोट करिएगा, इसको भी नोट करिएगा कि विश्व टीवी दिवस कब मनाते हैं, विश्व टीवी दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा। चलिए जल्दी से लॉक करिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 60 का जवाब आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 24 मार्च, बिल्कुल सही है, लॉक करिए भाई ऑप्शन डी, 24 मार्च को मनाया जाता है, ताकि मतलब इसलिए मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है कि लोगों को टीवी के बारे में क्या बताने के लिए जागरूक किया जाए, है ना, उनके स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ जाता है ये टीवी वाले बीमारियों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा दिन विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो चलिए याद रखिएगा 23 अप्रैल, क्या, 23 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि लगभग 100 देशों में आपके मनाया जाता है। ठीक है, हाँ, जो कि आपका इंग्लैंड है, क्या, इंग्लैंड और आपका कह सकते हैं आयरलैंड, ये नहीं मनाते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो आयोजन है इन दोनों में ये नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए अपवाद मानते हैं, ये लोग नहीं मनाते, कौन, इंग्लैंड और आपका आयरलैंड। अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व कॉपीराइट दिवस इनमें से कौन सा देश नहीं मनाता है, तो इंग्लैंड और आयरलैंड ये अपवाद स्वरूप है। मतलब पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए भाई अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए सही जवाब यहाँ पर जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, या आपके 3 दिसंबर को कब मनाते हैं, बी नंबर आपका हो जाएगा 3 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो आपके 5 जून को मनाते हैं, सभी को पता होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर 54 का जवाब क्या बनेगा, और 54 के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, फटाफट जवाब आने चाहिए बिल्कुल से। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर नंबर 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, ठीक है, और 15 अगस्त को आपको सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, 31 अक्टूबर की बात करें, अगर 31 अक्टूबर की बात करें तो 31 अक्टूबर क्या होता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, याद रखिए ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, और आपका इंदिरा गांधी पुण्यतिथि, ठीक है, इंदिरा गांधी जो पुण्यतिथि है वो भी आपका मनाते हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी पुण्यतिथि इसको मनाते हैं, ठीक है ना। और आपका 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। ठीक है, जल दिवस। तो इस प्रकार से यहां पर चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न आपसे कह रहा है यहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, यहां पर 55 का जवाब दीजिएगा। चलिए यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर 55 का भी आपका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है कि आपके 8 जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं आपके 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर कि वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। याद रखिएगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया, देखो यहाँ पर दिया है योग दिवस, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया कब मनाया गया, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो 59 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, 21 जून 2015 को। ठीक है, 21 जून 2015 को, क्योंकि आपको योग दिवस मनाते हैं 21 को, तो इसी से आपको पॉइंट मिल गया होगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 60 का जवाब दीजिएगा कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। चलिए यहाँ पर 60 का जवाब देना है, और आपका जवाब क्या बनेगा, 60 का जवाब बनेगा आपका डी नंबर, ये आपको मनाते हैं 8 सितंबर को। याद रखिए कब मनाते हैं, तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या विश्व दिवस, जो आपका विश्व साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, 5 सितंबर वाला क्वेश्चन आपको पूछा है, तो आपको 5 सितंबर, तो आपको पता है कि आपका शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं आपके 14 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 आपको सितंबर को। ठीक है, ओजोन परत अगर पूछता है, ओजोन परत, तो ओजोन दिवस मनाते हैं कब, तो आपका 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन दिवस मनाते हैं कब, तो आपके 16 सितंबर को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं भाई, विश्व बाघ दिवस आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं, 61 का जवाब क्या हो जाएगा, तो
यहाँ पर याद रखिएगा विश्व बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को, याद रखिए कब मनाते हैं 29 जुलाई को मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है ना। और आपकी सरकार ने यहाँ पर कह सकते हैं कि 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का एक लक्ष्य रखा है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि बाघों की संख्या कब तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, तो आपके 2022 तक, ठीक है 2022 तक। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था, पृथ्वी ओवरशूट दिवस, तो यहां पर कह सकते हैं अर्थ ओवर डे, आप जानते हैं अर्थ ओवर शूट डे आपका है जो कि आपका आपका पर हो जाएगा बी नंबर 1 अगस्त को, ठीक है। पृथ्वी ओवर शूट दिवस आपका मनाते हैं 1 अगस्त को मनाते हैं, 1 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जिसे पारिस्थितिकी ऋण दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इसे पारिस्थितिकी ऋण दिवस के नाम से जाते हैं, पारिस्थितिकी ऋण दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बताइए भाई 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहां पर मनाया जाता है, 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहां मनाया जाता है किस देश में, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, इनमें सभी में। अर्थात आप कह सकते हैं कि आपके जो आपका दिया टोबैगो और आपके मलेशिया और किर्गिस्तान, यहां पर 31 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका किर्गिस्तान है ये आपका 1991 में आपका कह सकते हैं आजाद हुआ, ठीक है ना, अलग हुआ था आपका। और इसी प्रकार से आपका जो टोबैगो है, टोबैगो जो आपका 1962 में हुआ था, और आपका मलेशिया जो आपका है 1957 में, लेकिन डेट एक ही है, डेट एक ही है, आपकी 31 अगस्त है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, यहां पर जवाब दीजिए कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 21 मार्च, ठीक है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, विश्व वानिकी दिवस। 8 मार्च को तो अभी हमने बताया था कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, है ना, और 5 जून को क्या मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। रिवीजन ही करना है, बस रिवीजन करना है, क्योंकि आप सभी को आता है, बस रिवीजन करना है। चलिए कह रहा आपसे वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, यहां पर 65 का जवाब देना है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा यहां पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, तो आपके 2 से 8 अक्टूबर, कहां पर जवाब आपका भी बनेगा 2 से 8 अक्टूबर के बीच जो आपका होता है, या आपका होता है वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका अधिनियम पारित किया गया था 1972 में पारित किया गया था, जो कि एक समवर्ती सूची में स्थान दिया गया इसे, ठीक है, वन्य जीव को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो सही जवाब क्या बनेगा आपका, 67 का जवाब क्या बनेगा, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा आपका यहां पर नंबर 29 अगस्त, ठीक है। अभी हमने आपको पढ़ाया भी था पुरस्कार वाले, तो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यहां पर जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देते रहिए, फटाफट हम लोग यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 68 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहां पर ए नंबर, 10 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिए कब मनाते हैं, तो आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो यहाँ पर याद रखिए 25 जनवरी को, राइट आंसर आपका बी बनेगा, 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है ना। चलिए अच्छा यहाँ पर देखो दिया गया 15 जनवरी दिया है ना, 15 जनवरी, तो 15 जनवरी क्या मनाते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस, ठीक है, थल सेना दिवस कब मनाते हैं, थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 15 जनवरी को मनाते हैं, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं ये 15 जनवरी थल सेना दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या अभी हमने आपको बताया भी था, है ना, रिवीजन आपका हो रहा है, फटाफट रिवीजन होने चाहिए, और आपको पता है हमेशा हम इतनी स्पीड में होते हैं, और रिवीजन के समय तो और स्पीड में होना चाहिए, और आपको भी अच्छा लगना चाहिए कि हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना। चलिए तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका होता है कौन सा, तो यहां पर 70 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, यहां पर सी नंबर 11 जुलाई को, ठीक है 11 जुलाई को होता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न अगला पूछा गया है, और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए कह रहे हैं 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, तो यहां पर किसने, यूएनओ ने, ठीक है, यूएनओ ने आपके किया था 11 जुलाई को, तो आपका अभी आपने पढ़ा कि कौन सा हो जाएगा, तो विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, तो किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा, ठीक है, यूएनओ के द्वारा आपका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है यहां पर श्रमिक दिवस मनाया जाता है, श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, 74 का जवाब देना है, श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, 74 का जवाब देना है, और 74 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, तो 1 मई को हो जाएगा, याद रखिए 1 मई को हो जाएगा, ए नंबर, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया, तो 24 जनवरी 2019 को पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस कौन सा मनाया गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था शिक्षा, ठीक है, याद रखिएगा कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, पहला शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया वो आपके 24 जनवरी को मनाया गया, याद रखिएगा ये पहला आपका शिक्षा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 जनवरी को क्या मनाते हैं भाई, यहां पर जवाब दीजिए 76 नंबर, 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस, ठीक है, क्या मनाते हैं भाई, तो शहीद दिवस होता है, ऑप्शन आपका बी बनेगा, शहीद दिवस मनाते हैं, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो आपकी है, यहां पर जवाब आपको हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है
कह रहा आपसे यहाँ पर कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपको दी गई हैं, तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मान्यता मतलब मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। 77 वाले में देखिए, यहाँ पर 77 वाले में देखिए कौन सा पॉइंट आपका कौन सा ना हो जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट दिया है विश्व रेड क्रॉस दिवस। बताइए भाई विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मार्च को मनाते हैं क्या? 8 मार्च को नहीं मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। तो अब 8 मई आपका जो हो जाएगा ये आपका फिर आपका सही हो जाएगा ना, ये 8 मार्च को नहीं होता, 8 मई को होता है। वहीं पर गोवा क्रांति दिवस आपका 18 जून हो जाएगा। बाल श्रम के खिलाफ दिवस जो आपका है 12 जून हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस आपको 3 जून को मनाया गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाएंगे, क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अगर आपसे नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं, तिथियां हैं जिनमें से 2018 में मनाया गया है, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। 78 नंबर, तो 78 वाले में आपको देखो लगभग वही सब कुछ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में परिवर्तन है, ठीक है ना। देखो 78 वाले में देखिए कौन सा आपका परिवर्तन है। तो पहला दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल होगा, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दिया है 1 मई, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को, ठीक है, 22 मई को मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, क्लियर हो गया ना। तो ये आप यहाँ पर कह सकते हैं कि गलत आपका था, अब आपको आंसर मिल गया है 22 मई, क्लियर है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ यहाँ देखो लगभग जितने भी महत्वपूर्ण आपके हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपके 21 जून को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, श्रमिक दिवस जिसे मजदूर दिवस जानते हैं 1 मई को, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार 10 दिसंबर को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून को, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यहां पर आपको मूल्यांकन करना है कि कौन सा यहां पर सही हो जाएगा। देखिए यहां पर आपका दिया है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं भाई? तो विश्व डाक दिवस मनाते हैं आपके 9 को, ठीक है, 9 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखिएगा कि विश्व डाक दिवस मनाते हैं 9 अक्टूबर को। तो इसका जवाब जो आपका आएगा कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, इसका 2 हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को हो जाएगा, तो इसका आपका कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका 4 हो जाएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं आपके 12 जनवरी को, तो 1 हो जाएगा। 3241 ऑप्शन आपका यहां पर बी सही हो गया, हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। मतलब कि यहां पर जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो इसके आपका कौन सा डेट होगा? सबको पता है ये डेट आपका कौन सा है, तो यहां पर 23 मार्च हो जाएगा। 23 मार्च है, ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, ठीक है ना। इस कारण 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। यह क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है, स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो घोषित किया गया है वो आपका कौन सा है? जवाब क्या बनेगा भाई? तो जवाब आपका यहां पर हो जाएगा 81 क्वेश्चन आपका सी, 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है ना। चलिए पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करते जाइएगा, जो लोग नए हैं और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलिए वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? देखो 2016 में जो मनाया गया था, 2016 में मनाया गया था, ये कब मनाया गया था? तो यहां पर आपका 83 ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, आपका यहां पर कौन सा 83 ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, ये 4 जनवरी को मनाया गया था, याद रखिए 4 जनवरी को मनाया गया था। वैसे आपको 9 जनवरी को होता है, ऐसे आपका 9 जनवरी को होता है, लेकिन 2016 में आपका 4 जनवरी को मनाया गया था, ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा 2019 में कब मनाया गया था? तो 2019 में मनाया गया था 21 से 23 जनवरी, ठीक है, 21 से 23 जनवरी। पहले आपका फिक्स हुआ करता था, लेकिन आप कहीं ना कहीं अल्टरनेट कर देते हैं, तो 2019 में जो मनाया गया था 21 से 23 जनवरी के बीच मनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो सिंपल सी बात है कि एग्जाम हो और विश्व पर्यावरण दिवस ना पूछा जाए, है ना, मतलब ऐसे एग्जाम में, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 जून, ठीक है, 5 जून आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहां पर अगला पॉइंट आपको दिया गया है, कह रहे समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीर दास की जयंती कब मनाई जाती है? संत कबीर दास की जयंती कब मनाई जाती है? 85 नंबर जवाब देना है। तो संत कबीर जयंती याद रखिए ये मनाई जाती है 2 जून 2015 को, मतलब कह सकते कब मनाई गई, तो 2 जून को, 2 जून का है, तो यहाँ का 2015 को मनाई गई, ठीक है, 2015 को मनाई गई है। इनकी जयंती जो आपकी होती है 2 जून को होती है, ठीक है, मतलब कैसे 2015 क्वेश्चन आपका दिया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए है, तो आपको 2 जून को मनाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे संत कबीर दास की जयंती कब मनाते हैं, तो 2 जून को मनाते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, 2 जून। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, सभी लोग बार वीडियो को लाइक करिएगा और एक बार रिवीजन जल्दी से कर लीजिएगा, जब वीडियो खत्म हो जाए तो उसको जल्दी जल्दी बढ़ाकर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद।